नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दो लुटेरी दुल्हनों का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। चचेरे भाइयों से एक सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली दो बहनों ने बिचौलियों के जरिए मंदिर में शादी की थी। अब भाइयों का आरोप है कि 5 दिन के अंदर ही दोनों दुल्हनें लाखों रुपए का सामान लेकर और कैश लेकर फरार हो गई हैं। जब पीड़ित भाइयों ने बिचौलियों से अपनी रकम वापस मांगी तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि थाटीपुर थाना क्षेत्र के दर्पण कॉलोनी में रहने वाले दो युवकों ने दो सगी बहनों से शादी की थी। वहीं नई बहुओं के आने से घर में खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को भी इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि परिवार में दो लुटेरी दुल्हनें आई हैं।